देखो एक सेकेंड रुकना प्लीज। हाँ चलो फाइन, छोड़ो। हो क्या रहा है यहाँ पे कि हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि एक हम लोगों ने कंपाउंड लिया, ठीक है फाइन, जो कि पॉजिटिव एम इफेक्ट शो करता है ये चीज। तो क्या किया कि हम लोगों ने एक ऐसे कंपाउंड जो बना लिया, एंड आफ्टरवर्ड्स हम लोगों ने क्या किया कि इसको इसका ये ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये उठा के हम लोग नीचे ले आए फाइन। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो नेगेटिव चार्ज था ये ऑर्थो पोजिशन पे आ गया, ये ऑर्थो पोजिशन पे, एंड आफ्टरवर्ड्स हम लोगों ने इसको सर्कुलेट करवाया, तो ये फिर पैरा पे गया, एंड आफ्टरवर्ड्स फिर ये फिर ऑर्थो पे गया। तो क्या हुआ कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीजिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन फाइन। तो ये होता है इन द केस ऑफ प्लस एन। एंड जल्दी से इसको भी देख लो, वैसे ये सारी चीजें मैंने दोनों चीजें कल एक्सप्लेन की थी, पर मैं एक बार फिर से बता रहा था, ठीक है। तो ये होता है नेगेटिव वाले के केस में, कि नेगेटिव वाले के केस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो फ्लो करता है एट ऑर्थो मेटा एंड ऑर्थो पोजिशन। सिमिलरली जैसे अभी नेगेटिव था वैसे यहाँ पे पॉजिटिव था, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल गेट डिक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा, सो मेटा विल बी रिलेटिवली मोर नेगेटिव, ठीक है। तो ये होता है द केस ऑफ माइनस एम, ठीक है। तो क्या आप लोग को ये दोनों चीजें समझ में आई? नहीं समझ में आई कौन सा वाला? नहीं समझ में आया तुम्हें? या लाइक विच वन, पॉजिटिव एम या नेगेटिव एम या फिर दोनों? ओके चलो देखते हैं। इधर देखो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसका ये वाला इस चार्ज पे फोकस कर रहा, ठीक है। ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस वाले बॉन्ड पे आ गया, ये वाले बॉन्ड पे, एंड क्या हो गया कि ये वाला बॉन्ड जो हो गया वो शिफ्ट शिफ्ट क्या, ये ऐसे टूट गया, इस साइड आ गया आपका पॉजिटिव एंड इस साइड आपका क्या आ गया नेगेटिव। तो यहाँ पे ये देखो, ये इसके बाद ये सेकेंड कंडीशन में ये देखो ये ऐसा बन गया, ठीक है। एंड फिर क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज इधर गया इस वाले बॉन्ड पे, क्योंकि ये वाला बॉन्ड था वो टूट के इस साइड पॉजिटिव एंड इस साइड नेगेटिव। तो ये देखो ये ऐसा बन गया, तो ये पैरा पे आ गया नेगेटिव, इधर बन गया डबल बॉन्ड एंड इधर एक और बॉन्ड बन गया। एंड फिर क्या हुआ, ये नेगेटिव टूट के गया इधर ऐसे, एंड ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये हो गया पॉजिटिव एंड ये हो गया नेगेटिव। तो ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया फाइन। फिर क्या हुआ, ये नेगेटिव ब्रेक होके गया ऐसे इधर, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस साइड गया नेगेटिव एंड इस साइड गया पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे एक ये बॉन्ड बन गया, और जो ये नेगेटिव चार्ज था इट विल एक्ट एज एन लोन पेयर फाइन। तो इतना सा हुआ, एंड इसमें मैंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुआ कि आप स्ट्रक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को अगर आप कंपेयर करोगे तो उसमें क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर नंबर ए है, सपोजिंगली ये स्ट्रक्चर नंबर ए है, तो स्ट्रक्चर नंबर ए से सब में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी आपको रिंग की, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है रिंग की, रिंग में चलो लिख ही देता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग हैज इंक्रीज्ड,
ठीक है, रिंग में क्या हो रहा है कि एट पोजिशन ऑर्थो एंड पैरा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कंपेरेटिवली टू द रिंग ए, ठीक है, आई मीन स्ट्रक्चर ए, वो स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4 में ज्यादा है एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर ए, जो आपकी मेटा एंड सॉरी ऑर्थो एंड पैरा की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा है स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4 में, ठीक है। एंड इस वाले केस में क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये वाला आई गेस मैंने आप, हाँ ये वाला तो मैंने कल समझाया ही था आप लोग को, तो इसमें भी सेम केस यही कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या किया कि ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ के नेगेटिव इसको दे दिया तो ये पॉजिटिव आ गया। अब ये वाला डबल बॉन्ड इधर पहुंचाया तो ये ऐसा बन गया, ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर गया तो ये टूट गया, एंड ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आ गया इधर। सेम प्रोसीजर इसमें भी हुआ, तो इसमें भी देखो ऑर्थो और पैरा पे क्या हो रहा है कि आपका पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ रहा है रिंग में, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज ले आता है, तो उससे क्या होता है कि रिलेटिवली रिलेटिवली ऑर्थो और पैरा के कंपेरिजन में जो मेटा होता है ठीक है वो ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है, तो वो ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। बस इतना इतना समझ में आया आप लोग को? इज इट क्लियर ना? ओके बाय, वेल कंटिन्यू ना। तो क्या कर देता हूँ, पहले ऑर्डर लिख देता हूँ। तो ऑर्डर ये प्लस एन देते हैं, प्लस एन एम माइनस एम का मैं ऑर्डर आप लोग को लिख लिख के दिखा देता हूँ कि व्हाट विल बी द ऑर्डर। ठीक है, तो सॉरी 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 सॉरी, ये ऑर्डर है माइनस एम का, ठीक है, प्लस एम का देखते हैं। ये एन है, ठीक,
सो दिस इज द ऑर्डर, ठीक है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव एम का जो ऑर्डर है वो ये है, ठीक है. तो आप लोग को क्या करना है कि ये ऑर्डर आप लोग को याद रखना है. ओके, तो आई गेस आप लोगों ने ये चीज नोट कर ली होगी. चलिए फिर मैं आगे चलते हैं. अब क्या करते हैं कि थोड़े से क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, ठीक है. तो ओके फाइन, तो हम लोग को क्या करना है. तो देखिएगा आप लोग, ये क्या है कि ये है प्लस एम, ठीक है. तो प्लस एम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स देगा. रुको मैं इसको थोड़ा सा इधर बना देता हूँ. प्लस एम है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा. ये क्या है, माइनस एम. माइनस एम है तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा. तो क्या होगा, ये विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, विल डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. एंड इसका क्या होगा, नो इफेक्ट. तो ए बी सी फाइन. तो क्या ऑर्डर हो जाएगा आपका, इधर लिख देता हूँ, ए सी बी, ये होगा आपका ऑर्डर, ठीक है. आई गेस ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोग को. तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें थोड़ा सा और देखते हैं. इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है. और ये लिख दे ओ एच. ओके फाइन. एंड ओके ओके, सो विल सी. देखो अब इसमें मैं कुछ चीज आप लोग को सिखाना चाहता हूँ. वो क्या है कि इस तीनों कंपाउंड में पहले तो लाइक आपको अगर सॉल्व करना है तो सीधी चीज ये कहाँ गया, फाइन. ये ऑर्डर देखो, इसमें सब लिखा हुआ है. यू विल बी एबल टू डू लाइक वेरी इजीली, फाइन, ठीक है. तो आप लोग आंसर देख लीजिएगा, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ. कहाँ गया यार, ये फेस मैंने मिस कर दिया. चलो फाइन, कोई दिक्कत नहीं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू गाइस इज, देखो एक बात समझो कि ये जो है वो पॉजिटिव एंड लगा रहा है, प्लस ये क्या हो रहा है, इधर प्लस नहीं लिखते आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. ये आपका नेगेटिव आई भी तो लगा रहा है यार. एट द सेम केस ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव एंड लगा रहा है एंड नेगेटिव आई लगा रहा है. सिमिलरली जो है वो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि ये क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव एम लगा रहा है एंड नेगेटिव आई लगा रहा है, ठीक है. पर इन सारे केसेस में हो क्या रहा है कि जो पॉजिटिव एम होता है, जो इलेक्ट्रॉन देने की एनर्जी है वो ज्यादा होती है देन इलेक्ट्रॉन लेने की. तो इनका जो नेट होता है वो ज्यादा होता है एम का, ठीक है. तो
ठीक है। एंड इसका एक और जो एक्सेप्शन होता है वो हेलोजन का, वो मैंने आप लोगों को इधर समझा दिया था। वेट, आई शो यू गाइस। हाँ ये देखो, ठीक है, तो ये एक इसका एक्सेप्शन है, आप लोग प्लीज इसे देख लीजिएगा। ओके फाइन, सो विल मूव फॉरवर्ड। एंड क्या कहते हैं कि कुछ और मैं आप लोग को एग्जांपल्स देता हूँ, तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन क्या करें कि अपने अपने उसमें लिखना शुरू कर दें, मैं जैसे ही क्वेश्चन खत्म करूंगा मैं तुरंत आंसर एक्सपेक्ट करूंगा। ठीक है, एटलीस्ट लाइक एटमोस्ट मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा। ठीक है, तो ए बी सी डी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो ये जो है ये आपका प्लस एम लगाएगा और माइनस आई, ये क्या लगाएगा, माइनस आई और प्लस एम। ये आपका प्लस एम तो लगाएगा नहीं, लेकिन ये प्लस आई जरूर लगाएगा। एंड ये क्या करेगा, माइनस एम लगाएगा एज वेल एज माइनस आई लगाएगा। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ डोमिनेशन क्या होगा, प्लस एम इसको डोमिनेट कर देगा, माइनस आई क्लोरीन वाले को डोमिनेट कर देगा। एंड ये तो एक है ही, एंड इधर भी प्लस एम इसको डोमिनेट कर देगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, इंक्रीज ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपना अपना आंसर वेरीफाई करिएगा। तो सबसे ज्यादा तो देखो यार साफ साफ दिख रहा है ए है, क्योंकि ए का क्या है कि पॉजिटिव एम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिंग में भेज पाएगा। फिर आता है आपका सी। सी कैसे है, क्योंकि बाकी दो जो क्या है वो इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, पर जो आपका सिर्फ सी वाला है जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, कैसे दे रहा है, पॉजिटिव आई इफेक्ट के साथ कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स दे ही रहा होगा। ठीक है, तो फिर आएगा सी, फिर आएगा आपका क्या बी, एंड फिर डी। ठीक है, बी पहले क्यों आएगा, क्योंकि इस पे कहीं ना कहीं प्लस आई एम इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से ये कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने दे पा रहा है। ठीक है, तो वो लगेगा आपका प्लस एम। एंड आफ्टरवर्ड्स जो डी है उसमें तो एकदम गॉन केस है, वो तो दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए सी एंड बी डी, ए सी डी बी, नहीं थोड़ा सा गलत हो गया, बी टी। ओके फाइन, आप लोग को क्लियर हुआ। ओके फाइन, चलो फिर आगे चलते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग को एक और चीज करवा देता हूँ। ठीक है, ये जो भी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है। सबसे बस मैं आप लोग को इतनी सी चीज इसमें से थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रो आप लोग समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज,
जहां पे भी ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसका सबसे ज्यादा अच्छा होगा, तो देखो जिसकी रिंग में सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, जिसकी रिंग सबसे ज्यादा नेगेटिवली चार्ज होगी उसी रिंग में हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो सबसे ज्यादा ओके फाइन, तो अब मैं क्या करता हूँ कुछ कुछ क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है, एंड फाइन विल प्रैक्टिस देम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग को क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप लोग उसका आंसर लिखते जाएं। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये सेपरेट है। ठीक है, तो देखो दो क्वेश्चंस है, ठीक है, आप लोग क्या करें कि इसका चैट बॉक्स में आंसर लिखे, फाइन, तो चलिए इसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें देखो हम लोग को क्या बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बस मैं सिंपल सिंपल से बोल रहा हूँ, हम लोग को बस ये बताना है कि किसकी रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा और कोई लाइक बात नहीं। तो देखो हम लोग को पता है कि ये रिंग ये ऊपर खींचेगा एंड ये भी ऊपर खींचेगा, ठीक है, ये माइनस आई होता है, माइनस एम, सॉरी माइनस एम होता है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, माइनस एम प्लस, सॉरी प्लस एम एंड माइनस आई, एंड ये तो एकदम ही प्लस एम, ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो ये खींचेगा, तो एक आंसर ये, एंड आफ्टरवर्ड्स क्या होगा, आंसर बी एंड फिर क्या होगा ए, तो इसका तो देखो ये आंसर हो गया। चलिए अब इस पे आते हैं, NO2, NO2 आपको पता है माइनस एम, माइनस एम प्लस एम एंड प्लस एम, ठीक है, एंड इसका आंसर आप लोग कैसे दे सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं आप लोग बाई सीइंग द ऑर्डर, ठीक है, तो मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ अब, क्योंकि अभी आप लोग को ऑर्डर पता नहीं है, तो इट्स डी सी बी एंड ए, ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप लोगों ने क्या किया। अच्छा आप लोग बस इतना बताइए कि ये आपको इतना क्लियर हुआ, ये जो दो एग्जांपल्स मैंने आप लोग को समझाया, क्या आर दीस क्लियर? ओके फाइन, सो चलो अब कुछ और बात करते हैं, अब बात करते हैं, ये देखिए आप लोग, तो ये मैं बहुत बार लिख चुका हूँ फिर भी एक बार और लिख देता हूँ, मोर एसिडिक तो ये होना चाहिए मोर स्टेबल, तो ऐसे हम लोगों ने सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे इंडक्टिव में, बट अभी दोबारा यहाँ कर रहा है। देखो इसका मैं आप लोग को क्रक्स समझा देता हूँ करना कैसे है,
देखो होता क्या है कि हम लोगों को जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्प्रेड हो जाएगा, इसको आप अपनी कॉपीज में लिख लीजिए कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्प्रेड होगा, ठीक है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्प्रेड होगा उतना ही ज्यादा वो कंपाउंड स्टेबल होगा। वैसे मैं एक बार लिखवा चुका हूँ पर मैं फिर भी बोल देता हूँ, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्प्रेड होगा उतना ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा। तो इन सारे क्वेश्चंस में हम लोग को क्या देखना होता है कि जो एक्स्ट्रा ग्रुप एडेड है, जैसे NO2 हो गया या फिर OH हो गया, ठीक है, NO2 हो गया या OH हो गया, तो ये कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं, जो जो ज्यादा माइनस एम लगाएगा वो जीत जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है। तो ये तो देखो प्लस एम लगाएगा तो ये तो बाहर हो गया, ये लगाएगा माइनस एम एंड ये नो इफेक्ट, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी ए सी। ओके फाइन, ठीक है। तो ये एक सीधा सीधा सा आप लोग का एक जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है वो भी डिस्कस हो गया। ओके फाइन, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक और नई चीज, जो क्या है कि एक जो चीज आप लोग को थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी है वो ये है NO2 CH3। कैसे लिख कर तो कैसे, चलो अच्छा ऐसे। एंड CH3 हो गया, इसको जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा। CH3 तो ये देखिए, इसमें जो ग्रुप है वो लगा है पैरा पे, इस पे लगा है मेटा पे, एंड ये तो दिख ही रहा है, और थो, तो तीनों आपके हो गए ऑर्थो मेटा एंड पैरा। ठीक है, तो ऑर्थो मेटा पैरा तीनों हो गए। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी हम लोग को सेम चीज डिस्कस करनी है कि इसमें हम लोग को ये डिस्कस करना है कि सपोजिंगली यहां से एक ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ये CH2 हो गया माइनस, CH2- और एक H+ निकल के चला गया, तो कहां पे CH2- सबसे ज्यादा स्टेबल होगा हम लोग को ये डिस्कस करना है। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं, जो NO2 होता है वो आपका शो करता है माइनस एम, सॉरी प्लस एम एंड माइनस आई, प्लस एम माइनस आई, प्लस एम माइनस आई। अब मैंने आप लोग को बताया था ये चीज कि जो मेटा है, जैसे इसके लिए क्या हो गया, ये है, ये सपोजिंगली हो गया ऑर्थो एंड ये हो गया पैरा, सॉरी ऑर्थो, ये हो गया मेटा एंड ये हो गया पैरा। तो मैंने आपको बताया था कि जो एम वाले ग्रुप होते हैं, जो मेसोमेरिक इफेक्ट के ग्रुप होते हैं, वो मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं करते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा होगा, ये मैं लिख देता हूं, आप लोग भी लिख लीजिएगा, इन स्ट्रक्चर टू NO2 हैव नो मेसोमेरिक इफेक्ट इन मेटा पोजीशन सो इट विल ओनली
अप्लाई नेगेटिव आई, ठीक है, आई गेस ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आप लोग बात सुनिए कि अब देखो, अब तो क्योंकि ये तो नेगेटिव आई लगा रहा, तो ये तो सबसे पीछे हो गया, ठीक है, तो मैंने बी लिख दिया यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट ए एंड सी, ठीक है। तो इफ विल टॉक अबाउट ए एंड सी, तो एक और बात जो मैं यहां लिख देता हूं, मेसो एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, तो एक सेकेंड, मेसोमेरिक क्या है कि मेसोमेरिक इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट, ठीक है। तो पर प्लस आई तो डिस्टेंस, माइनस आई तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है यार, फाइन। तो उस केस से अगर हम लोग देखेंगे कि माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो क्या होगा कि जो पैरा है वो कम इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, ठीक है। हाँ, जो पैरा है वो कम इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा इन कंपैरिजन टू ये आपका दिस ऑर्थो। सो जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ए, ओके। So, is that clear?